तो ऐसा होता है कि हम फेसबुक चलाते हैं तो उसमें से जो हम पोस्ट किए रहते हैं वो फोटो वीडियो डिलीट हो जाता है, या हम खुद से ही कर देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है तो, या हम अपने फ्रेंड को मोबाइल देते हैं फेसबुक चलाने के लिए तो वो गलती से क्या करता है, फ़ोटो या वीडियो को डिलीट कर देता है, उड़ा देता है। तो हम बाद में सोचते हैं कि मेरा जो फेसबुक पर से फ़ोटो और वीडियो डिलीट हो गया है उसको वापस कैसे लाएँगे, क्या तरीका है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से आपके फेसबुक पर से फ़ोटो और वीडियो जो भी डिलीट हो गया है उसको बहुत ही आसानी से वापस ला सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा ही तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से अभी फ़ोटो और वीडियो को आप डिलीट कर दिए हैं या आपका फ्रेंड डिलीट कर दिया है, आप चाहते हैं कि उसको रिकवरी करें वापस लाए तो उसको कैसे लाएंगे। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बनिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि कैसे हम फेसबुक पर का उड़ा हुआ डिलीट हुआ फ़ोटो वीडियो को वापस लाते हैं। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बनना होगा तभी आप समझ पाइएगा कि किस तरीके से फेसबुक पर से उड़ा हुआ डिलीट हुआ फ़ोटो वीडियो को वापस लाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके फेसबुक पर से कोई फोटो वीडियो डिलीट हो गया है गलती से, या आपका कोई फ्रेंड कर दिया है फ़ोटो वीडियो डिलीट कर दिया है, आप चाहते हैं कि उसको हम वापस लाए चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, तो वो आप बहुत ही आसानी से सेकंडों में चुटकियों में उसको आप वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और इसमें आपको टाइपिंग कर देना है www.facebook.com, या सिंपली आप डालेंगे फेसबुक, डालने के बाद इंटर करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। फेसबुक वाले पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे अपना जो भी यूजर आईडी है फेसबुक का वो डालेंगे, पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देखिए फेसबुक ये मेरा ओपन हो के आ चुका है। सिंपली यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और ढूंढना है सेटिंग्स का, तो सेटिंग्स वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है डाउनलोड्स योर इन्फॉर्मेशन का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि आपकी फेसबुक से इतने सारे जो फॉर्मेट जो डिलीट हुए हैं तो वो सारे के सारे आप वापस ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रुप्स है, फ्रेंड्स है, और भी यहाँ पे बहुत सारा है जो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि इन सब को हम वापस ला, तो आप पहले इसमें से पढ़ लीजिए कि आपको जो है फेसबुक पर से जो डिलीट हुआ है उसको आप कौन सा वापस लाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टिक मार्क है, इसको आपको टिक मार्क कर देना है। आप चाहते हैं कि हम सभी लाए तो सभी पे टिक मार्क रहने देना है, और चाहते हैं कि सिंपली हम एक लाए तो इस तरीके से एक बार पर क्लिक करेंगे और बाकी को अनचेक कर देंगे, ठीक है। जैसे हमको लाना है फ़ोटो और वीडियो, तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करके इसी तरीके से आप खोज लेंगे कि फ़ोटो और वीडियो कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो और वीडियो है, तो इस वाले को आपको क्या करना है, चेक रहे हैं। तो आप इस तरीके से है ना बेराबाजी एक एक करके नहीं कीजिएगा, मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आएँगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखिए कि सेलेक्ट ऑल है, इस तरीके से सेलेक्ट ऑल करेंगे इस तरीके से, देखिए आपका पूरा जो है यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर डिस सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से डिसलेक्ट, तो यहाँ पर देखिए डिसलेक्ट पूरा का पूरा हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। सिंपली हम करना क्या है, सिंपली हमको यहाँ से पूरा डिसलेक्ट करेंगे और हमको सिंपली एक सेलेक्ट कर लेना जो है फ़ोटो और वीडियो, तो हमको सिर्फ फ़ोटो और वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से फ़ोटो वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। अब करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डाटा रेंज, फॉर्मेट और मीडिया क्वालिटी। तो आपको डाटा रेंज यही रहने देना है, ऑल ऑफ माई डाटा यही रहने देना है,
फॉर्मेट में आपको HTML ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ मीडिया क्वालिटी है, मीडिया क्वालिटी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हाई, मीडियम और लो तीन क्वालिटी का आपको मिल जाता है। तो आप जो फोटो वीडियो को कौन सा क्वालिटी में वापस लाना चाहते हैं वो आपको इस तरीके से चूज कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीडियम चूज कर लिया, लो चूज कर लिया, हाई चूज कर लिया, तो आप जो फोटो वीडियो को जो भी क्वालिटी में लाना चाहते हैं वो जो है इसमें से आपको चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे लो चूज कर लेता हूँ। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट फाइल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए कि एक ऑप्शन यहाँ पर आपको ओपन होकर आ जाता है पेंडिंग का। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए जो है कुछ देर पहले यहाँ पर जो मैं एक डाउनलोड करके ऑप्शन आ रहा है कुछ देर पहले किया था, तो इस तरीके से पेंडिंग का ऑप्शन आपका आ रहा है ना, तो आपको 5 से 7 मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद आपको भी जो है ऑप्शन यहाँ पे डाउनलोड का आ जाएगा। जैसे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन में भी आपका मैसेज आ जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बैक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में इस तरीके से आपका मैसेज आएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर में पढ़िए कि यू कैन डाउनलोड ए कॉपी ऑफ योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम। इस तरीके से आपको पूरा पढ़ लेना है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो है HTML और JSON फॉर्मेट में आपको है इसको रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो आपको जो है मैसेज आने तक वेट कर लेना है, बस 5 से 7 मिनट वेट करना है। इसके अंदर में ही आपका मैसेज आ जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सपायरी जो है आपको यहाँ पर 4 दिन का जो टाइम देता है डाउनलोड का, 4 दिन के बाद है ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ से एक्सपायर हो जाए। इसके बाद फिर से आपको जो है ये डाउनलोड नहीं होगा, फिर से यही ऑप्शन सारे के सारे करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, 4 दिन के अंदर अंदर में आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा गूगल पे। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए डाउनलोड होकर यहाँ गूगल पे आ चुके हैं और इसको डाउनलोड आपको कर लेना है। सिंपली जैसे इस पर डाउनलोड वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। डिटेल्स वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ 110.97 मतलब 111 MB का है। तो आपको डाउनलोड होने तक वेट कर लेना है। चलिए ये मेरा डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद आपको इसको ढूंढना कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फाइल आपको डाउनलोड होकर कहाँ आएगा। तो सिंपली हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ फाइल मैनेजर को ओपन करना है। तो आपका जो डाउनलोड होकर आया है ना, तो वो आपको फ़ोन स्टोरेज में होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको ढूंढ लेना है कि वो जो डाउनलोड होकर आया है वो कहाँ है। वो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इसमें भी आपको मिल जाएगा। और मैं एक और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए डाउनलोड है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कि फेसबुक और मेरा नाम आ चुका है जीप फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे कि आप इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ओपन फाइल प्रीव्यू, तो आपको कुछ वेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है, आप कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ राजा, इस तरीके से मैं यहाँ पे नाम डाल दिया राजा। और एक्सट्रैक्ट वाले पे क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। ये फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक। तो ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। सिंपली मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, यहाँ पे फोन स्टोरेज में जाइएगा, यहाँ भी आपको वही ऑप्शन मिल जाता है। इस पर डाउनलोड वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि जो एक्सट्रैक्ट में किया था यहाँ से, वो यही फाइल वहाँ था। तो इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, इस तरीके से ये दो फोल्डर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कि फोटो एंड वीडियो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो भी फेसबुक से जो भी फोटो जो भी वीडियो डिलीट हुआ है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो मेरा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए कि 3 वीडियो है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से ओपन वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ MX प्लेयर पे क्लिक कीजिएगा और इसको आप ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर वीडियो आ जाता है। फोटो पे क्लिक करके आप फोटो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि इतने सारा फोटो जो मेरा, ये बहुत पहले का फोटो सब है, 8-10 साल पुराना फोटो सब है जो मैं फेसबुक से डिलीट किया था, वो सारे के सारे यहाँ फोटो देखिए वापस आ चुका है। इतने सारा फोटो जो मैं फेसबुक से डिलीट किया था वो सारे के सारे फोटो आ चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मेरा फोटो है जो मैं डिलीट किया था, वो सारे फोटो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी फोटो को डिलीट किए रहिएगा या एल्बम वगैरह, तो यहाँ देखिए एल्बम वगैरह भी आपका आ जाता है, इसमें आपको बहुत सारा मिल जाता है। यहाँ पर देखिए मेरा 1834 फोटो है जो मैं 8-10 साल पहले जो फेसबुक से डिलीट किया था, इसमें से मेरा कुछ फ्रेंड भी डिलीट किया हुआ था, वो सारे के सारे फोटो यहाँ पर आपको रिकवरी करके वापस ला देता है। सो ये गाइस, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे आप अपना फेसबुक पर का फोटो वीडियो को वापस ला सकते हैं। ये जो है आपका गैलरी में भी आ जाता है। तो इसके लिए हम बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे गैलरी को ओपन करता हूँ,
जैसे इसको गैलरी को ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ गैलरी में भी वही फ़ोटो और वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ देखिए मेरा जो फेसबुक से फ़ोटो डिलीट हुआ था ये फ़ोटो यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे ये फ़ोटो फेसबुक से डिलीट हुआ था, ये फ़ोटो मेरा फेसबुक से डिलीट हुआ था, वो सारे के सारे यहाँ पर देखिए फ़ोटो मेरा आ चुका है। ये 8-10 साल पहले ये मेरा जो फ़ोटो है फेसबुक से डिलीट हुआ था, वो सारा फ़ोटो मेरा यहाँ पर आ चुका है। वीडियो के लिए इस वाले पर क्लिक करेंगे, वीडियो वाले पर, और यहाँ पर देखिए मेरा 3 वीडियो था जो डिलीट हुआ था, तो वो सारे तीनों वीडियो यहाँ पर आ चुका है। मैं उसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ दूसरा वीडियो में दिखा देता हूँ, इस तरीके से उसको ओपन कर लेंगे। सो गाइस, इस तरीके से आपके फेसबुक पर से कोई भी फोटो या वीडियो डिलीट हो जाता है उसको आप बहुत ही आसानी से रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा देखिए ये फ़ोटो सब जो है, बहुत पहले मैं ये फ़ोटो सब जो डिलीट किया था वो सारे के सारे यहाँ पर फ़ोटो मेरा आ चुका है, ठीक है। 8-10 साल पुराने ये फ़ोटो सब जो मैं फेसबुक से डिलीट किया था वो सारा फ़ोटो मेरा यहाँ पर आ चुका है रिकवरी होकर। तो गाइस ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है। जैसे आप अपना फेसबुक पर का कोई फ़ोटो या वीडियो डिलीट हो जाता है उसको आप बहुत ही आसानी से रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीका का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।